की बड़ी और अहम खबर से जो कि राजधानी भोपाल से आ रही है, आपको बता दें चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, सोनिया गांधी राहुल गांधी पूरी कांग्रेस देश से माफी मांगे। आज का दिन कांग्रेस के लिए माफी मांगने का दिन है। आज के ही दिन कांग्रेस ने देश का विभाजन कराया था, महात्मा गांधी विभाजन के पक्ष में नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू ने देश विभाजन की सहमति दी थी। कांग्रेस को माफी मांगने वाला दिन है। 15 जून 1947 को कांग्रेस के अधिवेशन में हिंदुस्तान के विभाजन का जो अंग्रेजों का प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया गया था। आज कांग्रेस के अध्यक्ष को, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के पूरे नेतृत्व को देश से माफी मांगनी चाहिए। माउंटबेटन प्रस्ताव जो कि 15 जून 1947 को कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार किया गया था और उसके बाद ही हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए थे। देखा आपने, यह था बयान मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरे गांधी परिवार को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि आज के दिन ही देश का विभाजन हुआ था और महात्मा गांधी विभाजन के पक्ष में नहीं थे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान आया है जहां पर उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को देश से माफी मांगने के लिए कहा है। कहा है कि आज का दिन कांग्रेस के लिए वो दिन था जब कांग्रेस ने देश का विभाजन करवाया था, महात्मा गांधी विभाजन के पक्ष में नहीं थे। ऐसा बयान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का सामने आया है। देखा आपने, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान सामने आया जहां पर उन्होंने कांग्रेस तथा राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत तमाम पूरी कांग्रेस को माफी मांगने के लिए कहा है और कहा है कि आज का ही वो दिन था जिस दिन देश का विभाजन हुआ था और महात्मा गांधी देश का विभाजन नहीं चाहते थे, इसलिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस जो है माफी मांगे। आज का दिन माफी मांगने का दिन है, इस तरह का बयान मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का सामने आया है। बयान भी हमने आपको सुनाया है, कहीं ना कहीं यहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो है यहां पर और इसी बयान पर हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम पांडे जी, बहुत स्वागत है। कैसे देखेंगे विश्वास सारंग जी के बयान को? उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, आज के दिन देश का विभाजन हुआ था। जी, मैंने तो वैसे 15 अगस्त पढ़ा हुआ है और चले उनकी बात मान भी लें तो ये लोग क्या कर रहे थे उस समय जब विभाजन हो रहा था, और तब इनका क्या काम था? जब सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे देश के बड़े बड़े नेता जब आजादी के आंदोलन में थे, भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे, तब तो ये अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों की फौज में ये अपने लोगों की भर्ती करा रहे थे, तो इनको कुछ तो करना चाहिए। तो विश्वास सारंग के पिताजी तो वैसे भी ये तो परिवारवाद से हैं, इनके पिताजी तो खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे और विश्वास सारंग तो परिवारवाद का विरोध करते हैं, तो विश्वास सारंग को तो परिवारवाद के रूप में इनको कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है। और आजादी कैसे मिली ये विश्वास सारंग जैसे बच्चों को समझ में थोड़ी आएगी। ये कितने संघर्ष हुए, नेहरू जी 12 साल जेल में रहे, हमारे भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, कितने लोगों की जान चली गई आजादी के लिए, कितना संघर्ष हुआ, इन्हें तो बस बकवास करनी है। उस समय हमारे कितने बड़े महान नेता थे, अंबेडकर जी थे, वीएन दास थे जिन्होंने संविधान बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये सब इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग थे, इन पर आप उंगली उठा रहे हो? केवल नेहरू जी अकेले की बात नहीं है, हमारे देश में संविधान बना था तो 300 से ज्यादा बुद्धिजीवी लोग थे, क्या सारे के सारे लोग गलत थे? केवल आप सही थे? आप, गोलवलकर, हेड़गेवार, श्यामा प्रसाद और वो दीनदयाल उपाध्याय, ये जितने भी लोग थे ये क्या कर रहे थे? जब देश का विभाजन हो रहा था तो इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया था? क्योंकि देश के विभाजन के असली जिम्मेदार यही लोग हैं, इन्हें तो अपना मुंह बंद करके रखना चाहिए। ये तो चाहते थे कि देश आजाद ही ना हो, देश हमारा गुलाम बना रहे, अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते रहे और आज भी ये चाहते हैं कि देश गुलाम
बना रहे, संविधान खत्म हो जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाए, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सब लगा दिए गए, वापस से ये देश में गुलामी चाहते हैं। चलिए राम पांडित जी, लेकिन देखना होगा कि बयान के आने वाली विधानसभा चुनाव में कितने मायने समझ में आएंगे, क्या इस बयान को सियासी बयान माना जाए, देखना होगा। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।